महोबा में मूर्ति विसर्जन का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ जारी है। नगरपालिका परिषद द्वारा की गई बेहतरीन व्यवस्थाओं के बीच अब तक 40 से अधिक प्रतिमाओं का विसर्जन हो चुका है। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने विसर्जन स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और सुनिश्चित किया कि किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा न हो। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने महोबा न्यूज के माध्यम से जिलेवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि इस साल महोबा में 150 से अधिक स्थानों पर दुर्गा पंडालों में देवी प्रतिमाएं स्थापित की गई थीं और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से यह सुनिश्चित कर रहा है कि विसर्जन के दौरान किसी को कोई परेशानी न हो। उन्होंने अराजक तत्वों पर सख्त नजर रखने की हिदायत दी और जनता से अपील की कि अगर उन्हें किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। देखिए, पहले तो मैं सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और महोबा में आप जानते ही हैं कि बहुत हर्षोल्लास से इसको मनाया जाता है और पिछले 9 दिनों में हमारे दुर्गा पंडाल करीबन 150 की संख्या में पूरे जनपद में लगे और उसी परिप्रेक्ष्य में आज 100 के करीब तीर्थ सागर में विसर्जन हुए और अन्य जगह भी बहुत सारे विसर्जन है और इसमें हमारे सभी सरकारी तंत्र पूरा मुस्तैद है। आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर व्यापक हमने परिवहन किए हैं और कोशिश यह है कि जो भी हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो और यहाँ पर बहुत आराम से, बहुत ही सुकून से, बहुत हर्षोल्लास से यहाँ पर विसर्जन चल रहा है और मैं आपके माध्यम से सभी से अपील भी करूँगा कि विजयदशमी को हर्षोल्लास से मनाएं और जो भी अगर कोई अराजक तत्व है तो उसके बारे में आप पुलिस को, प्रशासन को अवगत कराएं अगर ऐसी कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और कोशिश ये रहेगी कि ये पर्व बहुत ही धूमधाम से बने। सर, तक कितनी मूर्ति विसर्जन हो गई है? देखिए, अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, अभी हम 4 बजने के करीब हैं और इस बजे तक हमने अभी तक 30 के करीब विसर्जन कर लिए हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 70 विसर्जन और होंगे। उनके लिए हमारी तैयारी है और कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी सारे विसर्जन। विसर्जन स्थल पर अतिरिक्त सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। नगरपालिका चेयरमैन डॉक्टर संतोष चौरसिया भी पूरे आयोजन की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासनिक टीम के साथ मिलकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और विसर्जन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए नगरपालिका की तैयारी की प्रशंसा की। वहीं नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी अवधेश कुमार ने बताया कि नगरपालिका ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। गोताखोरों की टीम, बड़ी नावों की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और जल प्रदाय की सुविधा को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि नगर में सफाई और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि श्रद्धालु बिना किसी चिंता के विसर्जन कर सकें। प्रशासन और नगरपालिका के संयुक्त प्रयासों से महोबा में इस साल का मूर्ति विसर्जन उत्सव बहुत ही सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो रहा है, जिससे स्थानीय जनता और श्रद्धालुओं ने प्रशासन की सराहना की है।